हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये देखो, अभी मैंने सिर धोया है शाम को, क्योंकि कल वीरवार था इसलिए मैंने आज ही सिर धो लिया है। अभी मैं ऊपर आ चुकी हूँ। ये देखो हमारे ऊपर का नज़ारा, ये देखो कपड़े सुखाने के लिए आई हूँ। अभी मैं कपड़े सुखाऊंगी। वो देखो ये रखे हैं कपड़े। फिर मैं ट्यूशन पे जाऊंगी ब्लू को लेने के लिए। उसी टाइम थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, मैं वीडियो बनाने लग जाती हूँ। ऐसे ही टाइम निकाल के वीडियो बनाती हूँ और फिर भी मेरी वीडियो कोई नहीं देखता है। आप सबको पता है मैं सारे दिन काम करती रहती हूँ, घर का, बच्चों का। आप ही बताओ, तीन तीन बच्चे हैं और उनको स्कूल भी छोड़ के आना है और ट्यूशन भी छोड़ के आना है। घर का काम भी करना होता है, उनको फिर आके गर्म खाना भी देना होता है। कितना काम होता है। अब तो इन मेरी बेटियों के भी पेपर हैं, इनके भी पेपर हैं, ये भी कुछ काम करवाती नहीं है घर का। एक के 10th में, एक के 12th, एक कॉलेज में है। आप बताओ औरत को कितना काम करना होता है। वीडियो बनाने के उसमें चलो भाई, यूट्यूब पे मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है। मैं वीडियो देखती हूँ, सबकी देखती हूँ मैं वीडियो, और मेरी फेवरेट यूट्यूबर है सितारा यासीन। तभी से ही मैं वीडियो बनाने लगी थी उसकी वीडियो देख के। एक जींस साइड की है आंटी, शायद पर सागवान है शायद उसका। एक ऑफिसियल, एक विलेज लाइफ ऑफ सीमा है, रितु है, कई है जिनका मैं वो देखती हूँ, वो लोग देखती हूँ। और वो है कृतिका मलिक, अरमान मलिक, मैं उनके भी ब्लॉग देखती हूँ। अच्छा जी, ये रक्षा की रसोई है, उसका भी देखती हूँ मैं। इतनों को मैंने लाइक वो किया हुआ है सब्सक्राइबर, इसलिए आपसे मैं ये कहती हूँ भाई, मैं इतनों को फॉलो करती हूँ, लाइक भी करती हूँ और वीडियो भी देखती हूँ। और मेरी भी वीडियो कोई देखा करो, मुझे भी बहुत खुशी होगी। आपका सपोर्ट मिलेगा, इसीलिए देखो अभी मैंने कपड़े धो दिए। अभी तो मेरे प्रेस के कपड़े रह रहे हैं और सुखान, परसों भी मैंने कपड़े धोए थे, उन कपड़ों को मैंने मतलब उनको तय लगा के भी रखना है और प्रेस भी करनी है, मेरा बहुत काम है। सोफी, ए सोफी, लेकिन मजे तो झूले ले रही, लाइटिंग पड़ी सोफी, कार चला रही देखी तो बेटी तेरा किंगे ताया है, कार चला रही, चला ली नीचे तो स्नोई ठेक ले थीसर बांध ले। हाँ फिर मैंने यू धो दिया तो ले लिया, हमने क्या करना, मारे तेरे रुमाल पड़े। सीधा होकर पढ़ ले, पढ़ाई में ध्यान दे ले, कल ना पेपर है, परसों तो है। सोफी 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 सेकंड सेमेस्टर में 20% आ गए ना, 20 कूद गया तो ए सोफी, तारीख क्या आज, 29 सितंबर, नहीं 28 सितंबर, डेट लिख देता हूँ बेटे, इस पर इसमें तो ले ले, मेरे 10th में आराम से 70% तो ऐसे आ जाएंगे, ऐसे बिना पढ़े 70%। 70% नंबर होया करा, 70% आज के जमाने में 70%। और हरियाणा बोर्ड में मेरे 88 थे, शर्म कर ले कुछ, 89 थे शायद, 88.6 थे, जितने भी थे लेकिन मेरे आ जाएंगे 75, मुनिया तक तो आ जाएंगे तेरे मुनिया।
कम से कम ब्लू 80% नंबर आने चाहिए, 80 नहीं 90% है। तो 85 तो चीनी के ही है। तो डरेगी डरेगी नंबर आने लेकर डरेगी तो किंग ध्यान है तेरा, डरेगी लड़ाई करने में डरती नहीं है, पढ़ाई में डर है। वो देख क्या लिख रहे रे? हिसाब लिख रहा है ना, नूर लिख रहा है 90% नंबर ले आऊंगा सेकंड सेमेस्टर में। फिर बुल्लू मेरे को 20 रुपए देगी शर्त के। देखा 28 सितंबर पर तीक और भी डर जू इसका नाम भी डर जू। तो यू क्यों लिखा डायरी में? पर मानू दानू के कटोरे तो हट भी डर जू ध्यान से हट भी डर जू बुल्लू उल्टे नहीं बोला करते। चल पढ़ ले, पढ़ाई में ध्यान अपना। हट भी डर जू।